आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में बाइकर्स गैंग का बड़ा खुलासा कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी, तो दूसरी ओर राह चलते एक्टिवा सवार दो लुटेरे लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे। घटना शहर के द्वारिका नगर में शाम तकरीबन 8 बजे घर के सामने हुई, जहां एक छात्र और सब्जी वाला लूट का शिकार हो गया। कानून व्यवस्था से बेखौफ बदमाशों ने बड़ी ही दिलेरी के साथ घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले द्वारिका नगर में एक एक्टिवा में सवार दो लुटेरे आए और एक के बाद एक लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पहले सब्जी वाले से मारपीट की और उससे रुपए छीन लिए। इस घटना के बाद बदमाश आगे बढ़े और साइकिल से जा रहे एक छात्र को टारगेट बनाया, छात्र के साथ मारपीट की और रुपए मोबाइल छीन कर फरार हो गए। इन दोनों बदमाशों की उम्र महज 20 से 21 साल की हो सकती है। दोनों घटनाएं सड़क में लगे निजी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अब लोग मोहल्ले और घर में सुरक्षित नहीं है। जिस दिलेरी से शाम ढलते ही स्कूटी सवार दोनों बदमाशों ने लगातार लूट की दो वारदातों को अंजाम दिया है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों ही युवक मेडिकल नशे में थे और जो भी कमजोर व्यक्ति सामने आ रहा था उसे घटना को अंजाम दे रहे थे। जी साइड।